बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इन्फॉर्मेटिव टीवी में मैं आपका एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए झेलम के एरिया काला गुजरा में 12 मरले की कोठी लेकर आई हूँ। उसकी डिटेल बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल के आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोज़ बर वक्त बासानी आप तक पहुँच सकें। कोठी की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आपने की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करनी है विदाउट हैविंग एनी चार्जेस, आपकी प्रॉपर्टी की वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर लगाई जाएगी। कस्टमर की ओनर के साथ और ओनर की कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील करवाइएगा। हमारी हमेशा पहले दिन से ये कोशिश हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं, हम प्रॉपर्टी वगैरह की सारी वीडियोज़ वगैरह बना के अपने चैनल के ऊपर लगाते हैं। घर बैठे हुए मेरी वीडियो से हर प्रॉपर्टी ईजीली आप देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मुंतजर हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी तक विजिट करवा के और फिर डील आपकी जो है ना ओनर के साथ फिर डील करवा दी जाएगी। अभी वक्त का ज़्यादा किए बगैर प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, फाइनली हम जो है ना ये कोठी के बाहर आ गए हैं। 12 मरले की खूबसूरत कोठी है, फ्रंट एलिवेशन आपको दिखा रहे हैं, टाइल वगैरह लगी हुई है। इसके साथ भी एक और कोठी है, उसकी भी जो है ना मैं डिटेल से वीडियो नेक्स्ट वीडियो उसकी डिटेल से बनाऊँगा। हम कोठी के अंदर एंटर हो रहे हैं, नीचे जो है ना पत्थर लगा हुआ है, इसका फ्रंट के ऊपर सारी टाइल लगी हुई है, गैस बिजली पानी सेवर हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपको हम व्यू दिखा रहे हैं जी, चेक करें। फ्रंट पे भी ये जो है ना एंटर होंगे तो वहाँ पे भी टाइल, ये ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ, आगे पीछे टाइल लगी हुई है। यहाँ पर इसके साथ एक और कोठी है, उसकी भी मैं डिटेल से वीडियो जो है ना बनाऊँगा और उसकी जो है ना मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। तो ये आपको व्यू हम दिखा रहे हैं। आपने भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करनी है तो मेरे नंबर पे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। ये अंदर से बाहर का व्यू देख सकते हैं, वो सामने भी एक कोठी बनी हुई है, ये नीचे मार्बल लगा हुआ है। और इस कोठी की बड़ी खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पे जो है मिनी गार्डन भी है, और प्लस ये है कि इसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जो है ना OTS का हवा का हास यहाँ रखा गया। ये हम हाल के अंदर एंटर हो गए हैं, नीचे पत्थर लगा हुआ है और ये जो है ना अच्छा पत्थर लगा हुआ है। साइड से ना राइट साइड पर एंटर होंगे तो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, ये नीचे देखें जी, स्टेयर्स को यूज़ इस तरह किया गया, नीचे कबर्ड बनाई गई है। और ये चेक करें जी, अभी हम किचन के अंदर एंटर होंगे जी। किचन स्टैंडर्ड साइज से भी बड़ा है और यहाँ पे हुड वगैरह लगा हुआ है, अलमीरा वगैरह, यहाँ पे टाइल लगी हुई है वॉल के ऊपर, एग्जॉस्ट वगैरह, विंडो वगैरह, क्योंकि किचन के अंदर जो है ना मेन ये होता है कि जो है ना आपको हवा का क्रॉस होना चाहिए ताकि जो है ना फ्रेश एयर आए और जो है ना इसमें हीट कम हो किचन के अंदर, उसका भी ख्याल रखा गया है। रूम का आपको व्यू दिखाते हैं जी, रूम का विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं वो अल्मूनियम की हैं, अंदर शीशा जो है ना वो ग्रीन कलर का शीशा, ये कमरे का व्यू है। थोड़ा सा गंदा लेकिन जो है ज़ाहिर है उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना इसको मैनेज किया हुआ है, तो अगर आप फिज़िकली विज़िट करना चाहें तो आपको विज़िट भी करवाया जा सकता है। ये दूसरे रूम का आपको व्यू दिखा रहे हैं, रूम बड़े रूम है, वसी रूम है, इनके साथ अटैच वाशरूम है। रूम के अंदर टाइल भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर टाइल, और ये लाइफ टाइम के लिए टाइल होती है और इन्होंने कलर की कम्बिनेशन भी उस हिसाब से की हुई है, आप देख सकते हैं जी। ये का आपको हम रूम का व्यू दिखा रहे हैं, ये डोर का मटेरियल अच्छा है, ये चेक करें। अभी आपको जो है ना ये बैक साइड पे गैलरी दिखा रहे हैं, ये गैलरी इन्होंने हवा के लिए छोड़ी हुई है। इस यहाँ पे इन्होंने जो है ना गैलरी को ये जो एक्स्ट्रा पाइप वगैरह है, सेवरेज का सारा निज़ाम है वहाँ पे सेट किया हुआ है। ये वॉशरूम आपको दिखा रहे हैं, इंग्लिश सीट लगी हुई है यहाँ पे, साइड पे टाइल लगी हुई है, वॉशरूम दोनों कमरों के साथ अटैच वॉशरूम है। और ये चेक करें जी, इस कमरे के साथ भी अटैच वॉशरूम है और ये वॉल टू वॉल टाइल लगी हुई है। और यहाँ पे दो सीट्स हैं, इंग्लिश है और इंडियन सीट है। डिमांड हम एंड पे कोट करेंगे इसकी, अभी हम आपको जो है दूसरे का कमरे का व्यू दिखा रहा हूँ, ये चेक करेंगे। हर कमरे के अंदर और इवन के वॉशरूम के अंदर टाइल का खास ख्याल रखा गया, टाइल लगाई गई है उस हिसाब से। नीचे देखने कितना खूबसूरत फ्लोर इन्होंने जो है ना वो मार्बल के अंदर डिज़ाइन करवाया हुआ है, कर्टन वगैरह, उसके अलावा कबर्ड वगैरह, प्लस ये लकड़ी का जो काम है, डोर वगैरह नहायत खूबसूरत तरीके से और अच्छा मटेरियल लगाया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में भी आप डायरेक्ट नंबर से रब्ता कर सकते हैं, अगर आपने फिज़िकल विज़िट करना तब भी विज़िट करवाया जा सकता है आपको एक कोठी। स्टेयर से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का व्यू दिखा के फिर मैं आपको इसकी प्राइस कोट करता हूँ, ये चेक करें जी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गए हम जी, यहाँ पे भी रूम वगैरह, और वीडियो थोड़ी फास्ट बना रहा हूँ लेकिन जब आपने ख़ुद विज़िट करना है तो आपको सारी डिटेल से हर एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफ कर दी जाएगी। ये चेक करें वॉशरूम है,
अब आप जो को जो है ना बाकी ये व्यू दिखाता हूँ फ्रंट का, ये चेक करेंगे। ये साथ वाली भी कोठी, इसकी भी जो है ना डिटेल से वीडियो हम बनाएंगे। सामने खूबसूरत कोठी बनी हुई है, ये आपको हमने सारा व्यू दिखा रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप। इस तरह की जो ना प्रॉपर्टी जल्दी सेल हो जाती है, आपने जल्दी रब्ता करना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। कंक्रीट गली है ये और नहायत ही शानदार किस्म की कोठी बनी हुई है, मटेरियल का खास ख्याल रखा गया है। उसके अलावा कहीं पे भी किसी किस्म की दरार वगैरह नहीं है और हर चीज़ को इन्होंने मैनेज किया है। आपको दूसरी साइड का भी व्यू दिखाते हैं जी, बैक का व्यू दिखा के फिर आपको जो है मैं इसकी प्राइस कोट करता हूँ। तो ये चेक करें, ये बैक का व्यू है जी। तो अभी मैं आपको इसकी प्राइस बता जी नाज़रीन, हर एक चीज़ आपको ब्रीफ कर चुका हूँ मैं, अभी आप इस चीज़ के मुंतजिर होंगे। आपको बताया जाए कि इसकी ओनर डिमांड क्या है। ओनर की डिमांड है 1,35,00,000, 1,35,00,000 ओनर की डिमांड है। कमी पेशी ज़रूर करवा के दी जाएगी, हमेशा हमारी बारह कोशिश हुई है कि आपके लिए अच्छी से प्रॉपर्टी लेकर आएँ, आपको कम और रीज़नेबल फिर डील करवा के दी जाए, रीज़नेबल प्राइस में आपको जो है ना प्रॉपर्टी लेकर दी जाए। आपको सारी डिटेल बता दी है। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। कोई चीज़ ना भी पसंद आए तो उसका भी मुझे बताया करें। हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना अपने कस्टमर्स और सब्सक्राइबर्स की जो है ना सुनकर चलते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की भी जो है ना कोई ड्रॉबैक है मेरी वीडियो में, या कोई इस तरह की कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, वीडियो लंबी है, जो भी, अगर कम बोलना है, कुछ भी, आपने अपनी कॉमेंट का अपनी राय का कॉमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर किया करें। किसी किस्म की हम जो है ना माइंड नहीं करते। तो हमने चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया, अपने जो है ना व्यूवर सब्सक्राइबर और अपने कस्टमर्स के लिए बनाया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में हमने राय का इजहार करने के लिए वीडियो तक लिए अपने मेज़बान चोरी को इजाज़त दें। कैमरा मैन सोमी गुजर के साथ चोरी तस्वीर इन्फॉर्मेटिव टीवी झेलम, खुदा हाफिज़।